SRM टुडे शहर की आवाज। ग्राम पंचायत फतेहगढ़ में सरपंच द्वारा फर्जी तरीके से जमीन खरीदकर और जो विकास कार्य वास्तव में नहीं किए गए उन्हें कागजों में दर्शाकर लाखों रुपए का गबन किया गया, जिसको लेकर ग्रामीण पंच और उप सरपंच द्वारा सरपंच के खिलाफ आवाज उठाई गई और सरपंच के भ्रष्टाचार को लेकर जनसुनवाई जिला पंचायत जनपद पंचायत में आवेदन सौंपे गए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद सभी ने मिलकर उज्जैन लोकायुक्त को शिकायत की, जिसको लेकर टीम मौके का निरीक्षण करने पहुंची। मंदसौर के ग्राम पंचायत न्यू फतेहगढ़ में लगातार सरपंच द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जन भागीदारी समिति से 1.5 लाख रुपए मंदिर का चबूतरा बनाने के नाम पर लिए गए और 1.5 लाख रुपए पंचायत के माध्यम से सेंक्शन करवाए गए थे। ये सभी पैसा भ्रष्टाचार की भेंट सरपंच ने चढ़ा दिया। ये भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत के सरपंच ने ही किया है, जिसमें मनरेगा में कुएं बनाए गए उसमें भी सरपंच ने दूसरे के नाम से बने कुएं को दूसरे हितग्राही का बता दिया और कागजों में एक कुएं पर 3 लोगों के नाम से पैसा पास करवा लिया। सरपंच ने ही खुद अपने नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले लिया और गरीब हितग्राहियों को अभी तक पंचायत द्वारा कोई योजना का लाभ नहीं दिया गया है। सरपंच ने पट्टे भी मंदसौर के लोगों को बेच दिए और पंचायत द्वारा हितग्राहियों को 30-30, 40-40 हजार रुपए में पट्टे दिए जाते हैं। यहाँ पर भी सरपंच साहब ने अपनी जेब गर्म करने के लिए गरीब हितग्राहियों को लाभ नहीं देते हुए जो लोग ग्राम पंचायत के है ही नहीं उनको लाखों रुपए में पट्टे बेच दिए, इसी की शिकायत ग्राम पंचायत के पंचों द्वारा कई बार कलेक्टर मंदसौर को भी की गई, पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर पंचों द्वारा हाईकोर्ट इंदौर में मामले को लेकर याचिका लगाई गई। उसके बाद उज्जैन लोकायुक्त में शिकायत दर्ज करवाई गई। उसी को लेकर आज लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने ग्राम पंचायत फतेहगढ़ की शिकायतों को जांचा, जिसके बाद इस मामले की रिपोर्ट बनाकर भेजा जाएगा। ग्राम पंचायत में जो भी जीर्णोद्धार किया जाता है पंचों की राय से फाइनल किया जाता है, पर ये सरपंच साहब पंचों की राय नहीं लेते हुए मन मर्जी से कार्य पूरा करवाते हैं, जिससे इनकी जेब गर्म रहती है। पर अब देखना ये होगा कि लोकायुक्त उज्जैन सरपंच साहब पर क्या कार्रवाई करते हैं। मूल्यांकन भी हो गया है, मतलब सब वो दर्शा दिया वहाँ पे। शिकायत कर रखी कब? प्लाटों के विषय में भ्रष्टाचार है, सब प्लाट बाहर क्षेत्र वालों को बेच दिए और जो सूचियाँ जो बना रखी थी इनकी 214 के आदमी की, वो सब के जिसके मकान सब पैसे वाले उनके नाम से सूचे आवास बना आवासहीन और सब आवासहीन बता करके ये दूसरे लोगों को बेच। सचिव अभी सचिव तो दो महीने में नहीं आते हैं, तो टिके एक भी नहीं टिकने देते हैं। 2 साल से ऐसे ही आ रहे हैं बस। अब ऐसे ही कौन कितने टाइम रुकता है ये किसी को पता नहीं। अरे पंचों को भी पता नहीं रहता, ठेरा प्रस्ताव में ले लेते, क्या मालूम क्या क्या बताऊँ क्या था यहाँ पे। ये तो ये मंत्री था, उसके बाद में जब ये जो आवास की सूची मैंने निकलवाई है ये बाद में एक और जो जिसने इंजीनियर ने मूल्यांकन करके ने पेमेंट निकाल रखा है वो भी है इसके अंदर। लगाए थे उन्होंने राजा खेड़ी गए हो कि कहाँ चबूतरा है अब इसमें चबूतरा कहाँ दर्शा रहा है। कायदा पे ये हुआ कि जैसे ये बाउंड्री है या पक्षी विहार के जो ये आए थे पैसे जो तो क्या 2.5 लाख रुपए
जन सहयोग हो 2,50,000 रुपये वहाँ से मंजूर हुए। तो पास गेट बनाना था कृषि विहार के लिए, उठला बनाना था, यहाँ पे आई कौन शायद हमने कई बार की जनपद में भी की सरपंच। शिकायत देवनारायण मंदिर पे जो पक्षी विहार है जहाँ 5 लाख की हमारी टीएस है जनभागीदारी से जो राशि एकत्र हुई थी उस विषय में की थी, जिसका हम कलेक्टर महोदय को भी अवगत करा चुके हैं। उस ओर से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला न और कुछ जांच की टीम आई है। सब तरह हमने SDM महोदय को भी हमने दिया था, जिला पंचायत भी हमने दिया था, जनपद भी हमने सब तरफ शिकायत की थी। वो आखिरी में हमें थक हार कर हमें आखिरी में उज्जैन लोकायुक्तों का दरवाज़ा खटखटना पड़ा। तो हम वहाँ भी गए थे 1 महीने पहले, वहाँ भी आवेदन दिया था। तो आज लोकायुक्त की टीम यहाँ पर जांच के लिए आई थी और जो भी हमारे मुद्दे थे, जो कि कपिल धारा का एक मुद्दा था कुआ का जो फर्जी, उसमें पूरा फर्जी मास्टर से बिल भुगतान किया गया है। यहाँ मंदिर पर जो कि 1.5 लाख का चबूतरा, पक्षी विहार और एक लोहे का गेट दर्शाया गया था उसमें 1.5 लाख का उसमें गबन किया गया है। पंचायत की दुकानें जो कि फर्जी तरीके से बनी हुई हैं, 4 लाइन पर उनका निर्माण हो चुका है, उसमें भी काफ़ी फर्जीवाड़ा है। और यहाँ पर जो सामने पंचवन की भूमि है, 7-8 बीघा जो ज़मीन है वो भी फर्जी तरीके से आबादी में करवा ली गई है सरपंच द्वारा। काफ़ी लाखों का काफ़ी गबन हो चुका है और काफ़ी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस सारी शिकायतें और जो भी यहाँ गबन हुआ है, इस विषय में हम ये चाहते हैं, गांव के समस्त नागरिक ये चाहते हैं कि सख्त सख्त कार्रवाई की जाए सरपंच के ऊपर और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं सभी के ऊपर कार्रवाई की जाए। सरपंच भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और हम वैसे हम भी बीजेपी से ही हैं, मैं भी बीजेपी से हूँ, दलोदा पिछला मोर्चा का मंडल उपाध्यक्ष हूँ अभी वर्तमान में। ये जो आरोप जो है निराधार है और बेबुनियाद है और मेरे खिलाफ जो क्या है कि पंचायत सचिव दिनेश शर्मा कुछ लोगों को लेके यहाँ पर जो मेरे सामने जो चुनाव हारे हुए हैं उनको लेके पूर्व में बहुत सारी शिकायतें कर रखी इनने और आज जितने भी आरोप जो लगे हैं ये बेबुनियाद है, निराधार है। ये मेरे नॉलेज में नहीं है कि चबूतरा और गेट, ये मेरे नॉलेज में नहीं है। ये पूर्व में एक जनभागीदारी की दीवार थी देवनारायण मंदिर की, तो उस दीवार में क्या है कि 5 लाख 2.5 लाख रुपए की राशि जनभागीदारी से एकत्रित करी थी जब मैं सरपंच बना, उससे पूर्व में एकत्रित करी थी और पूर्व का ही काम चल रहा था। जो उसका काम मैंने पूर्ण करवाया है, दीवार में ही 5 लाख रुपए पूर्ण हो चुके हैं और गेट और चबूतरे का मुझे इसमें कोई नॉलेज नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। अगर ये इस प्रकार की अगर कोई शिकायत है तो आप पंचायत में आइए, रिकॉर्ड दीजिए। जी, मैं खुद भी जो है आवासहीन हूँ, मेरा खुद भी मैं जंगल में रहता हूँ, गांव में मेरा खुद का भी मकान नहीं है, इसलिए मैंने मेरा नाम जुड़वा दिया होगा, इसमें कौन सी गलत बात है भाई। सरपंच क्या जो है, सरपंच गांव की सेवा करता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो वो कुछ सक्षम है। नहीं, मुझे कोई इस मामले में कोई जानकारी नहीं है और नहीं कोई सूचना दी गई है। ये पंच तो क्या है कि विपक्षी हैं, मेरे सामने चुनाव हारे हुए भी हैं और ये जो अनर्गल मांग करते रहते हैं कि मुझे प्लाट चाहिए, मुझे ये चाहिए वगैरह, इनको क्या है कि वहाँ नई आबादी जो है, नई फतेहगढ़, वहाँ के 2-3 मोमेडन लोग हैं और यहाँ के भी मेरे साथ में जो उप सरपंच है वो भी जो अनर्गल जो है आरोप लगाता रहता है और उनको क्या आवश्यकता से अधिक चाहिए, क्योंकि ये खुद पैसे वाले लोग हैं और गरीब लोगों के लिए ये जो आवास इनकी योजना वगैरह जो आवास वगैरह ये गरीब लोगों के लिए है और इन पैसे वाले लोगों के लिए गलत है, बिल्कुल ही गलत है। लोकायुक्त की टीम आई थी यहाँ पे, एक तो वो देवनारायण मंदिर में जो है चबूतरा दर्शाया गया है उसके लिए और एक कुआ है उसके लिए आए थे, जो फर्जी कुआ मनरेगा में बताया गया है, सरपंच द्वारा बनाया गया है, मनोहर ठन्ना, तो होगा तभी आए होंगे ना, बिना किसी के तो कोई आ ही नहीं सकता है। शिकायत कर रखी ना, कलेक्टर में करी है, इसमें जनसुनवाई में करी, उसके बाद कोई मतलब नहीं। उन्होंने देवनारायण मंदिर में देखा है, उसके बाद में खेत पे गए, वहाँ पे कुआ देखा है, हमारे सामने तो बात नहीं करी, हो सकता कभी उन्होंने अलग से बात करी हो तो हम तो यही चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार है उसको निपटाए और क्या। हाँ, उसका केस चल रहा है अभी, इंदौर हाई कोर्ट चल रहा है, कोर्ट का काम है। अपन ग्राम पंचायत फतेहगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत कर, धारा 21 के तहत भरी कुर्सी खाली कुर्सी का भी हमने दिया था मंसूर SDM साहब को, उन्होंने आदेश नहीं देते हुए फिर हमने हाई कोर्ट इंदौर वहाँ लगा रखा हमने, ये प्लाटों के विषय में, सभी विषय में, मतलब मनरेगा में और ये देवरेखा जो है और पक्षी विहार का, इसमें भी घोटाला, बहुत सारे ऐसे घोटाले। हम चाहते हैं भ्रष्टाचार उजागर हो, कार्रवाई होना चाहिए। आज लोकायुक्त टीम आई थी उज्जैन, उन्होंने यहाँ का मुआयना किया, मंदिर का, देवरेखा और मनरेगा कुएं का सभी मुआयना करके
वो गए। संवाददाता विपिन चौहान के साथ SRM टुडे मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज़।